ये लीजिए गाइस, हम आ गए हैं आज के नए ब्लॉग के साथ और अभी हम जा रहे हैं बाबूलाल जी के पास, जो एक बहुत बड़ा अश्लील व्यक्ति है। आप देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम एक रेड जोन से बाहर निकलते हुए और ये चूरू रोड पकड़ रखी है हमने और इस पे हम चल रहे हैं। बाबूलाल जी संभावना हो सकती है कि आने वाले 2-3 दिनों में रफी फोन कर सकता है। आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं। अभी अभी हिमावत स्कूल आने वाली है, उससे पहले हमारा भैरव जी का मंदिर। मैं आपका दिनेश रिपोर्टर आज आया हूँ नए एक समाचार के साथ। मैं आपका दिनेश रिपोर्टर, मेरे भाइयों और बहनों, में आया हूँ आज आपके साथ एक नया समाचार के साथ। वो नया समाचार ये होने वाला है कि आज वो घटना घटित होगी और 2-3 दिन बाद में रवि उसका वो करेगा प्रचलन कि यार वो पैसे करवा दो यार, क्या थोड़ी हो यार। चूरू 37 किलोमीटर है, यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। आप देखते रहिए, ये देखिए, ये आ गया हमारा ठेका, अंग्रेजी देसी वह शराब की दुकान। आज थोड़ी लू चल रही है, शाम के 5:30 बज रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। वो देखते रहिए आप, हम आपको सब दिखाएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, फिर लास्ट में पैसे देते टाइम पे आपको वो भी दिखाएंगे। अरे बाबूलाल जी हिसाब लेना ना 14,000 को। ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप। वो थोड़ी देर बाद में, अभी उसका टाइम नहीं हुआ और 7 वाले लगन में आता है। ये मित्ते का ढाबा, ढाबा एक बार सुन जो भाई जी, आपने नहीं तो रोटी कौन ले गए तेरे यार, ये तो सिकरा रसोरा है ना। अभी अभी दुर्घटना संभावित क्षेत्र से निकलते हुए गाइस, आज शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है तो हमको ब्लॉग डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। बालाजी की नगरी में, ये हमारे श्री दोजाटी बालाजी धाम। जय श्री बालाजी। यहाँ की मूढ़ी खाने के लिए लोग आते हैं हिसार से पैदल चल के। और अभी अभी एक होटल आने वाली है, क्या ही बताऊं, उसका खाना तो इतना लाजवाब है कि हम कभी खाने ही नहीं आते। ये देखिए गाइस, ये है वो होटल बाबा भोलागिरी रेस्टोरेंट। इतना लाजवाब खाना है कि हम कभी खाने ही नहीं आते। आप बने रहिए हमारे साथ में, ये बाईपास निकल रही है, हमने कार्य करवाया है इसका। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, हमारी मंजिल के बहुत करीब है। हाँ वो पार्किंग में लगा लिए ना भाई।
लीजिए गाइस, अब तेल गलवाएंगे गाड़ी के अंदर, फ्यूल सबसे जरूरी है। ये देखिए, चलो आते टाइम डलवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी गाड़ी को हमने लगाया हमारी पार्किंग के अंदर। ये देखिए, ये बाबा के ढाबे के ऊपर प्रस्थान करते हुए।